हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो गर्मी कैसी लग रही है आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होगी, और इसका कारण है भारत में आ रहा लंबा हीट वेव्स। जी हाँ, इस साल पिछले 122 सालों में इस साल मार्च का महीना सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहा है, और इसका क्या कारण है? और वो कारण है हीट वेव्स। तो क्या होती है हीट वेव्स, और ये किस तरह से मौसम को प्रभावित करती है, और ये क्यों इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। AFP एक्सट्रीम हीट वेव इन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉजेस पावर एंड वाटर शॉर्टेज। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट वेव आ रही है इंडिया और पाकिस्तान में, जिससे पावर एंड वाटर शॉर्टेज हो चुकी है। India.com हीट वेव ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड इन इंडिया एंड इट्स नॉट इवन समर येट। यानी कि हीट वेव ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए इंडिया में, और अभी तक समर आया भी नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्च का महीना सर्दी से गर्मी में लाता है, लेकिन इस मार्च के महीने में ही हमें लगातार गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और पिछले दो महीनों से वेस्ट राजस्थान और महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया में 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चल रहा है, और इसी दौरान मार्च के महीने में ही हमें दो हीट वेव का स्पेल देखने को मिला है। अब मार्च से लेकर अब तक चार हीट वेव का स्पेल देखने को मिला है, जिसमें 26 दिनों तक हमें हीट वेव देखने को मिली है, और चौथा हीट वेव तो अब भी चल रहा है। तो कब तक चलेगा वो नहीं पता है कि कब तक चलेगा, लेकिन इससे डेफिनेटली परेशानियां तो बढ़ने वाली है। तो अब देख लेते हैं कि देश भर में हीट वेव कब से कब तक चले, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला हीट वेव चला था 11 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, 8 दिनों तक चला था। ये ज़्यादातर कोंकण एरिया, कच्छ सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, लगभग जितना भी नॉर्दर्न एरिया का पार्ट है वो सब में हीट वेव चली थी 11 से लेकर 19 मार्च तक। और जो दूसरी वाला हीट वेव चली थी वो 27 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक चली थी। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चली थी, जो काफ़ी हद तक मिडिल इंडिया है ना, वहाँ पर फिर इसने हिट किया था। और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है हीट वेव चली थी, और ये भी कुछ एरिया में चली थी। ये तीसरा हीट वेव है, और अब चौथा हीट वेव 24 अप्रैल से लेकर अब तक चल रहा है, और ये कब तक चलेगा कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और बहुत ज़्यादा एरिया इसने कवर कर लिया, जैसे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गैंगटिक वेस्ट बंगाल, इंटीरियर ओडिशा, छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न गुजरात एंड विदर्भा। यानी कि जो मोस्टली जो नॉर्दर्न एरिया है ना, पूरा उसको कवर कर लिया। इसके अलावा जो वेस्टर्न एरिया है और ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पर भी फैल चुकी है ये हीट वेव, और अब कब तक रहेगी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हीट वेव ये और हीट वेव वो, लेकिन हीट वेव होता क्या है और कब तक हीट वेव माना जाता है? तो इसके तीन कारण हैं कि हीट वेव कब कब देखा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हीट वेव किसे कहते हैं, इसके लिए द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम मैदानी एरिया में हो तो वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो या ऊपर चल जाए तो हीट वेव माना जाएगा। और इसी तरह अगर समुद्र तटीय मैदान या समुद्र तट के आसपास के एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हीट वेव जाएगा। और इसी तरह अगर पहाड़ी एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाता है तो हीट वेव माना जाता है। तो ये पहली कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नॉर्मल या एवरेज टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हीट वेव माना जाता है। लेकिन अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो हीट वेव खतरनाक हीट वेव माना जाता है। और तीसरी कंडीशन है कि किसी भी दिन अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाए, चाहे इसमें पिछले दिनों में या इससे आगे के दिनों में तापमान 40 से कम ही क्यों ना हो, तो वो हीट वेव ही माना जाएगा। तो ये होता है हीट वेव को डिक्लेयर करने का तरीका। वैसे अगर बात की जाए कि हीट वेव नॉर्मली कब आता है, तो नॉर्मली हीट वेव अप्रैल से जून के बीच आ जाता है और मई में ये पीक पर चलता है, लेकिन इस बार तो ये मार्च में ही आ गया है और अप्रैल में पीक पर चल रहा है, और कब तक चलेगा कोई आइडिया नहीं। और जो हीट वेव प्रोन एरिया होते हैं, जिसमें हम कोर हीट वेव जोन कहते हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गैंगटिक वेस्ट बंगाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो ज़्यादातर जो मोस्टली इंडिया के पार्ट हैं वो कोर हीट वेव जोन में आते हैं, और यहाँ पर अक्सर हीट वेव आ ही जाती है। और देखा जाए जो एरिया बिल्कुल नॉर्थ में पड़ते हैं, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के एरिया जैसे और कर्नाटक, केरल, गोवा जैसी जगह पर हीट वेव कम पाया जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि हीट वेव देश में क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है?
वैसे देखा जाए तो जब भी मेडिटेरियन सी से चलकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट की तरफ जाता है यानी भारत की तरफ जाता है तो साउथ इंडिया से एक मॉइस्चर वाली विंड चलती है, तो जब वो आपस में दोनों टकराती है तो वहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म बनता है, बारिश हो जाती है और हीट को कम कर देता है। तो इस तरह से ये चलता है, इसको मैं आपको मैप में बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से निकलकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में आता है। एक तो वो चला जाता है कश्मीर से ऊपर ऊपर, जो इंडिया में ज़्यादा टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जो मेडिटेरेनियन सी से आता है, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आता है, तो जो साउथ इंडिया से जो मॉइस्चर वाली विंड चलती है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, और जब ये दोनों आपस में टकराती है तो एक थंडर स्टॉर्म बन जाता है वातावरण में, और वो ही बारिश करने के लिए काम करता है। तो इस वजह से बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो अभी तक 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही इंडिया में आए हैं, जिसमें से 3 तो कश्मीर के ऊपर से ही निकल के चले गए, और बाकी के बचे 2 वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो बारिश या गर्मी को कम कर पाए, तो अब इसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में तो येलो अलर्ट भी इशू कर दिया गया है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है, जो पिछले 80 सालों में सबसे ज़्यादा होगा। लास्ट टाइम दिल्ली में 29 अप्रैल 1941 को 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो शायद आने वाले दिनों में ये रिकॉर्ड टूट जाए और टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए, 46 डिग्री सेल्सियस तक चले जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि हमें इस गर्मी से कब तक निजात मिलेगी और टेम्परेचर कब कम होगा। तो देखिए, अभी बोला जा रहा है कि 2 मई यानी ईद के दिन के आसपास से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और शायद थोड़ी बारिश भी हो सकती है। तो 3 से लेकर 4 मई के बीच तापमान थोड़ा कम रह सकता है, शायद 36 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लेकिन 30 अप्रैल को नॉर्थ इंडिया में डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी चल सकती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊं तो ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया को ही ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है, और अब हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो ज़रूर लेने होंगे, ताकि हम पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल कर सके और अपनी आने वाली जनरेशन को एक सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड कर सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @_ImranSiddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है, @ImranSiddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।